नमस्कार मेरे प्यारे छात्र मित्रों, तुळजाभवानी प्राथमिक विद्या मंदिर संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर हमारे इस पाठशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, आज हम कक्षा पांचवी और हिंदी विषय का दूसरी इकाई का पहला पाठ, जिसका नाम है गांव और शहर, इस पाठ का आज हम अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इस पाठ में यहाँ पर हमें दो चित्र निरीक्षण के लिए दिए हैं। आप अपनी किताबें निकालो और किताबों में यहाँ पर एक गांव का चित्र है और दूसरा शहर का चित्र है। तो बच्चों देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पर गांव के चित्र का वर्णन आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर गांव का चित्र यहाँ पर अभी आएगा। तो देखो, गांव के चित्र में क्या क्या बातें हमें बताई गई है। तो देखो, गांव के चित्र में एक यहाँ पर एक प्रगतिशील यह गांव इस चित्र में हमें दिखाई दिया है, और गांव के घर जो होते हैं यह ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। इस चित्र में उनमें यह जो घर है उनमें आवश्यकता अनुसार खिड़कियां उपलब्ध कराई गई है। फिर जो यह मकान है, यह जो घर है, इनके छत पर रोशनदान बने हुए हैं। मतलब देखो, सूरज की किरणें घर में आने के लिए यह रोशनदान काफी जरूरी होते हैं। गांव के घरों में यह रोशनदान हमें दिखाई देते हैं। और इस गांव में एक समता विद्यालय नाम का स्वच्छ और सुंदर विद्यालय है। उस विद्यालय की इमारत बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हमें बताई गई है, दिखाई देती है। चित्र में दो लड़कियां और तीन लड़के विद्यालय जा रहे हैं। देखो चित्र में और क्या दिखाई देता है हमें, कि दो लड़कियां और तीन लड़के इस विद्यालय की तरफ जा रहे हैं। दो लड़के और दो लड़कियां विद्यालय के प्रांगण में खेल रही है। देखो, और विद्यालय का जो प्रांगण है, जिसे हम ग्राउंड बोलते हैं, मैदान बोलते हैं, उस मैदान में दो लड़के और लड़कियां खेल रही है। तो देखो बच्चों, ये जो गांव का चित्र है, इस गांव के चित्र में मतलब गांव में कौन कौन सी चीजें मौजूद होती है, उनका उपयोग, उन चीजों का किस गांव वाले किस तरह से करते, इन बातों का वर्णन इस चित्र के माध्यम से हमें बताया गया है। तो देखो, फिर आगे के निरीक्षण करते हुए हम जाएंगे कि एक कुआं है। कुआं मतलब जहां से पानी गांव के सभी लोगों को पीने के लिए या और विभिन्न कामों के लिए इस पानी का इस्तेमाल गांव के लोग इस कुएं के जरिए से करते हैं। तो दो महिलाएं कुएं से घरों में पानी लेकर लौट रही है। दो महिलाएं जो है, यह दो महिलाएं इस कुएं में से पानी को लेकर लौट रही है। एक महिला बच्चों के लिए हुए उसे कुछ दिखा रही है, और एक महिला जो है अपने बच्चों को कुछ दिखाने का प्रयास कर रही है। और इस चित्र में और क्या दिखाई दे रहा है, तो एक आदमी जो है यह साइकिल पर बैठकर जा रहा है। दूसरा एक लड़का गोलाकार रिंग से खेल रहा है। निरीक्षण करके हमें इस चित्र में जो भी कुछ बातें हैं, यह बातें हमें बताने का प्रयास करना है। देखो, फिर एक आदमी ट्रैक्टर लेकर चला जा रहा है, और ट्रैक्टर कहां पे लेकर जा रहा होगा, तो खेतों की तरफ वह जा रहा होगा। दो बकरियां एक साथ खड़ी है, उससे कुछ दूर एक बैल खड़ा है। देखो, दो बकरियां इस चित्र में खड़ी है और उससे कुछ दूरी पर एक बैल भी खड़ा हुआ है। मकान के पास एक बैलगाड़ी खड़ी है। एक स्त्री कोई चीज सुखाने के लिए डाल रही है। मकान के पास एक बैलगाड़ी खड़ी हुई है और एक स्त्री जो कि घर के कुछ कपड़े होंगे या मतलब चीज, मतलब खाने की जो कुछ चीजें है वह सूखने के लिए वह वहां पर डाल रही है। पास ही एक स्त्री कुछ साफ कर रही है। उससे कुछ दूरी पर एक स्त्री बर्तनों के लिए कुछ
लिए बैठी है, मतलब देखो बर्तन बांधने के लिए वह वहां पर बैठी होगी, रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं। गांव का चित्र, इस चित्र का वर्णन हम देख रहे हैं। देखो एक महिला अपने बच्चे के साथ चारपाई पर बैठी है, और एक महिला जो है वह एक महिला अपने चारपाई पर बैठकर बच्चों को खिला रही है, उसके साथ खेल रही है। दाई तरफ तीन चिड़िया दाने चुग रही है, और एक महिला दो बच्चों के साथ जा रही है। एक कुत्ता भी इस चित्र में हमें खड़ा हुआ नजर आता है। एक आदमी सिर पर टोकरों में कुछ ले जा रहा है, यह भी इस चित्र में दिखाई दे रहा है। गांव में बिजली आ गई है, गांव में साफ सफाई है, यह गांव धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। देखो इस गांव में बिजली जो है, यह बिजली यहाँ पर आ गई है, और गांव में हर तरफ साफ सफाई यहाँ पर दिखाई देती है, और यह गांव धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। इस चित्र का वर्णन करते हुए हमें यह इस गांव में क्या-क्या बातें हैं, गांव में क्या-क्या वस्तुएं हैं, गांव में गांव के लोग कैसे होते, गांव के घर कैसे होते, इन सभी बातों का वर्णन इस चित्र में हमें बताया गया है। तो देखो बच्चों, अभी अगला जो चित्र है, यह चित्र आपके किताब में शहर का चित्र है, मतलब शहर कैसा होता है। अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर भी यह शहर का चित्र आएगा, और आप उस शहर के चित्र का भी निरीक्षण करो, और वहां पर आपको कुछ क्या क्या दिखाई देता है यह आप बताने का प्रयास करना है। मैं भी आपको यह चित्र का वर्णन अभी बताने जा रहा हूं। तो देखो सबसे पहले गांव के सॉरी शहर के चित्र में हमें दिखाई देता है कि शहर का जो चित्र है उसमें कई मंजिला आलीशान मकान, बड़े बड़े मकान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मकान सड़क के किनारे पर बने हुए हैं, शहर के मकान सड़क के किनारे पर बने हुए हैं, ऐसा इस चित्र में हमें दिखता है। अलग अलग आकार प्रकार के यह मकान हैं। मकानों की छत पर पानी की टंकियां है। देखो शहर में मकानों की छत पर ही पानी की टंकियां रहती है, जो इस्तेमाल के लिए या पीने के लिए उस पानी का उपयोग कर सकते हैं लोग। शहर की सड़कें जो है बहुत चौड़ी है, सुंदर और साफ सुथरी भी यहाँ चित्र में सड़कों का वर्णन किया है। सड़कों पर प्रकाश की सुंदर व्यवस्था है, और सड़कों पर यह जो प्रकाश है, इस प्रकाश के लिए सुंदर व्यवस्था यहाँ पर प्रदान की गई है। बिजली के खंभों पर लगे बल्ब रात्र के समय दूर दूर तक प्रकाश फैलाते हैं, और यह सड़कों के किनारे जो बिजली के खंभे हैं, इन पर लगे हुए जो बल्ब है, वह इन बल्बों का प्रकाश रात्र के समय दूर दूर तक हमें दिखाई देता है। सड़कों पर बस कार दुपहिया तथा रिक्शे दिखाई दे रहे हैं, और सड़कों पर वाहन, मतलब उस वाहनों में दुपहिया वाहन है, मतलब बस कार है, रिक्शा है, यह सभी वाहन सड़कों पर हमें दिखाई दे रहे हैं। एक बस एक मंजिल वाली और दूसरी दो मंजिल वाली है। देखो शहर में जिसे हम एक मंजिला बस और दूसरी दो मंजिला बस, ऐसी दोनों ही बसें यहाँ पर सड़क पर जाते हुए दिखाई दे रही है। सड़क पार करने के लिए पैदल चलने वाले लोग जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करते हैं, और सड़क पर चलने वाले जो लोग होते हैं, यह सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं, और इस सड़क के ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग के निशान भी लगाए हुए हैं। चित्र में दो बस स्टॉप दिखाई दे रहे हैं, एक चौराहा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चौराहे पर सुंदर फुवारा भी है जिससे पानी बाहर आ रहा है। पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बने हुए हैं। चित्र में सिग्नल भी दिखाई दे रहे हैं, यह वाहनों का जो यातायात है इसका नियंत्रण करते हैं। तो बच्चों यह चित्र अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो आया हुआ चित्र है, यह चित्र शहर का चित्र था। तो इसमें हमने देखा कि शहर के बहुत बड़े बड़े मकान हैं, शहर की सड़कें जो है बहुत चौड़ी है, शहर के सड़कों के ऊपर बिजली के खंभों पर बल्ब लगाए हुए हैं, सड़क के ऊपर अनेक वाहन चल रहे हैं, ऐसा वर्णन इस चित्र में हमें बताया गया है। तो बच्चों देखो इस पाठ में हम यहाँ तक ही इसका अध्ययन अध्यापन करेंगे। इसी पाठ में यह जो गांव और शहर यह पाठ है, यह पाठ हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। इस पाठ में मैंने आपको गांव के चित्र का वर्णन यहाँ पर बताया है, और शहर के चित्र का भी वर्णन बताया है।
तो बच्चों इसके इस पाठ के ऊपर के जो प्रश्न उत्तर है, यह प्रश्न उत्तर मैं आपके वर्ग पाठ की कॉपी में मतलब ग्रुप के ऊपर भेजूंगा। यह प्रश्न उत्तर आपको लिखकर उसका फोटो निकालकर पाठशाला के ग्रुप के ऊपर डालना है। तो बच्चों सभी से मेरी एक दरख्वास्त है कि इस कोरोना नाम की जो महाबीमारी है, इससे बचाव के लिए आप सभी लोगों को घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।